हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हार्ट एंडोर्स पर। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेके मैं वीडियो शुरू करती हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कोई शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आइए मैं अब ये सारे एडेनियम मैंने अभी न्यू ही कलेक्शन में ऐड किया है दोस्तों, और ये सब मैंने अभी रिपोर्ट किया है, और इन सभी का कोडेक्स सुखड़ा हुआ था तो मैंने इन सब के कोडेक्स को देख सकते हैं आप। मैंने आधी मिट्टी में दबा दिया, ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है, अभी तो फूला नहीं है, इसमें एक फ्लावरिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी इतनी तेज़ धूप है कि इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। और ये मेरा सीड ग्रोन एडेनियम है, अभी बहुत ही छोटा है, और ये सब अभी मैंने न्यूली ऐड किए हुए हैं, और सभी के कोडेक्स श्रिंक हो चुके थे, क्योंकि बाहर कोरियर में आते हैं तो सभी वो श्रिंक हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता। और ये देखिए, ये कोडेक्स एकदम सुखड़ा हुआ था और इसमें दबाने पर भी दब जा रहा था, तो मैंने इसको, आप देखिए, आप मिट्टी में 50% मिट्टी में इसको मैंने दबा दिया इसका कोडेक्स, और ऊपर थोड़ा सा मैंने उसको छोड़ दिया था और उसमें वाटरिंग कर दी, और देखिए कितना अच्छा ये अब धीरे 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 डेवलप होने लगा। इसी तरह काफ़ी एक दो एडेनियम मेरे इसी तरह सिकुड़ चुके थे, लेकिन फिर भी अभी ठीक हो रहे हैं। और इसमें सिर्फ वाटरिंग का ध्यान देना होगा, ज़्यादा वाटरिंग मत करिएगा, नहीं तो इसका कोडेक्स गल भी जाएगा। और दूसरा टॉप ये है कि आप इसको कितना पानी दें, पानी इसमें देख के मिट्टी अगर ऊपर की तह सूख जाती है तभी इस पर पानी दें, इतना भी पानी ना दे दें कि ये मतलब उसके नीचे जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ और बना हुआ है, गीला है मिट्टी, तो उसमें उसका कोडेक्स अंदर ही अंदर गलने लगे। पानी उतना ही दीजिए जितना उसको ज़रूरत हो, ज़्यादा पानी मत दीजिए, नहीं तो फिर उसका कोडेक्स फिर आप बचा नहीं पाओगे, क्योंकि मिट्टी के अंदर है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर उसके कोडेक्स गल रहा है क्या है। और इसी तरह देखिए, ये भी मेरा कोडेक्स अंदर की तरफ सारे मैंने आधे से ज़्यादा मैंने कोडेक्स उसको मिट्टी में दबा के रखे हुए हैं, और ये सारे मेरे एडेनियम के कलेक्शन है दोस्तों। और ये देखिए, ये अभी कितना अच्छा इसमें बर्ड्स लिया हुआ है, लेकिन इतनी तेज़ धूप है कि बर्ड्स भी गिर जा रहे हैं, नेट के नीचे रखने पर फ्लावरिंग नहीं होगी। और बट ये देखिए दोस्तों, ये इतनी तेज़ धूप है कि मतलब उसका स्टेम भी नीचे झुक जा रहा है गर्मी की वजह से, ये देखिए इसका स्टेम भी नीचे झुका हुआ है। कोई नहीं, ये धीरे धीरे जब इसको पानी मिलेगा तो ये सही हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने ग्रीन नेट के भी नीचे रखा हुआ है तो भी इसका स्टेम झुक जा रहा है। और इसी तरह सारे मेरे प्लांट्स इस समय एकदम सर्वाइव कर रहे हैं गर्मी की वजह से। और ये देखिए, मेरा सीड ग्रोन प्लांट है दोस्तों, इसको भी, और ये देखिए इसका भी कोडेक्स एकदम सुखड़ा हुआ था और मैंने इसको मिट्टी में दबा के उसको दबा दिया है, और उस पर से देखिए कितना ठीक अच्छा हो गया है। आप भी दोस्तों इसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक काम करिए, आप इसको निकाल लीजिए, और निकाल के फंगिसाइड के वाटर में 24 आवर्स के लिए आप उसको भिंगा दीजिए, डाल दीजिए, और फिर उसको निकाल कर रिपोर्ट कर दिए, कोडेक्स को जितनी वाटर की ज़रूरत होगी वो अपना ऑब्जर्व कर लेगा और वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन वाटरिंग का ध्यान देते ही हुए आप इसमें करें, तभी ये आपका कोडेक्स सही हो जाएगा। और इसमें थोड़ा माइक्रोन्यूट्रिएंट देंगे तो वो भी ऑब्जर्व कर लेगा, जब मिट्टी सूखी हो तो ही माइक्रोन्यूट्रिएंट दीजिएगा और फिर उसमें वाटरिंग कर दीजिए तो वो एकदम सही हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा अभी है इसमें, लेकिन फिर भी ये ठीक हो जाएगा। ये मेरा न्यूली एड है, और इसका भी देख सकते हैं आप, इसका भी कोडेक्स श्रिंक है, लेकिन पहले मैंने उसको मिट्टी में दबा के और उसमें आप कम वाटरिंग दे के वाटर दे के उसको छोड़ दिया है, या अभी 2-3 दिन के अंदर ये एक बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान दें कि कोडेक्स को हल्का दबा के देखिए कहीं वो पिलपिला तो नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा पिलपिला होगा तो वो इसका मतलब होगा कि वो अंदर ही अंदर गल रहा है। ज़्यादा वाटर पाके वाटर उतना ही दीजिएगा जितनी उसकी ज़रूरत हो, बस आप इतना ध्यान देंगे तो हम लोग एडेनियम कभी भी डाईबैक नहीं होगा। और एडेनियम के स्टेम पे भी ध्यान देते रहिए, उस पर फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए। और ये मेरा वेरीगेटेड है, और फंगिसाइड का हमेशा स्प्रे करिए। और देखिए, इसमें बर्ड भी सूख के गिर गए हैं, तो
कोई नहीं, फिर से हो जाएगा। लेकिन फंगिसाइड का हर हफ्ते स्प्रे करते रहिए ताकि इसमें फंगस न। वाटरिंग का ध्यान दें तो वो सालों साल चलता है एडेनियम। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।